नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिटरमिनेंट। ठीक है, इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक कवर किया अपना? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, उसे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करना है ये सीखे। अब इसके थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का डिटरमिनेंट। और ये डिटरमिनेंट जो टॉपिक है आपका ये वाला, ये 11th 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब मैथ्स में आप पढ़ोगे आगे मैथ्स, तो ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अब सपोज डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए सबसे मेन चीज़ है पहले अपने पास कि मॉड, मॉड में कुछ रियल नंबर्स लिखे होते हैं, इसे मॉड कहते हैं, और ये कंप्लीट बनता है एक डिटरमिनेंट। ठीक है, नाउ दिस इज रो, ए और बी जो है वो रो, सी डी ये रो, और ये जो है ये कॉलम्स, रोज और कॉलम्स में से जो बन रहा है वो आपका होता है डिटरमिनेंट। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाता है? इसे सॉल्व करने के लिए ये फर्स्ट जो एलिमेंट रहता है, ये फर्स्ट को लास्ट से आपको मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू डी। ठीक है, माइनस बी इंटू सी, ये आपका फॉर्मूला हो गया इसको सॉल्व करने के लिए। क्या करना है आपको? फर्स्ट टू लास्ट माइनस सेकेंड टू थर्ड, सिंपल को सॉल्व करने के लिए 2/2। ओके, तो एग्जाम्पल देखो, 5 3 7 9, ये आपका एक डिटरमिनेंट बन गया। ठीक है, 5 3 रो, ये रो और ये कॉलम्स। अब इसको सॉल्व करने के मेथड क्या है कि हमें फर्स्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 5 × 9, माइनस सेकेंड टू थर्ड हमें मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 3 × 7। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म? 5 × 9 45, माइनस 3 × 7 21, वी गेट 24। इट्स द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। बस ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 5 − 2 3 − 1, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगेन सॉल्व करने की मेथड तो वही रहेगी, फर्स्ट टू लास्ट मीन्स 5 × −1 माइनस माइनस 2 × 3। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं रहती हमें, लेकिन अभी आपको लिखना ही है, डायरेक्ट नहीं करेंगे कोई भी। 5 × −1 माइनस 5, दिस माइनस माइनस 2 × 3 माइनस 6, मीन्स 5 माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? हमारी माइनस साइन, एक भी अगर माइनस साइन की मिस्टेक हुई तो आंसर आपका क्या होगा? रॉन्ग है, सिंपल, लेकिन माइनस प्लस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वन मोर एग्जाम्पल, बी इक्वल्स टू 3 − 4 − 1 0, अगेन सेम स्टेप, 3 × 0 माइनस माइनस 4 − −1, 3 × 0 0। कोई भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा? 0 होगा। माइनस माइनस 4 × −1, दिस माइनस माइनस गेट कैंसल, इट बिकम 4, 0 − 4 − 4। ठीक है, एक और देखते हैं। अगेन −3 × 5 −15, अभी डायरेक्ट करके बता रहे हैं मैं आपको, −3 × 5 −15 माइनस 2 × −1 −2। लिखने का तरीका यही होना, आपको ब्रैकेट में डालना है वाले स्टेप में। नाउ −15, दिस माइनस माइनस गेट प्लस 2, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर की साइन, और ये कितना बचेगा? 13। एग्जाम्पल 2√3 1 4√3। अब स्टेप तो वही रहेंगे क्योंकि डिटरमिनेंट है तो हर बार वही फॉर्मूला यूज होने वाला है। यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करूंगे इसको? सामने कुछ नहीं, मीन्स क्या है? 1 है, तो जो बाहर का कॉन्स्टेंट नंबर है 2 × 1 2, √3 × √3 ये क्या हो जाएगा? 3। रूट रूट क्या हो जाता है? कैंसिल, रूट का स्क्वायर कैंसिल। माइनस 4 × 1 4, 2 3 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ओके, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। 7/3 5/3 3/2 1/2, ये फ्रैक्शन वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, मल्टीप्लाई तो वैसे ही करना है आपको, 7/3 × 1/2 माइनस 5/3 × 3/2,
ओके नाउ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई रिफ्रैक्शन का रूल क्या है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से हो जाता है, 7 1 7, 3 2 6, माइनस 5 3 15 अपॉन 3 2 6, दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हो गए सेम, 7 माइनस 15 एंड 7 माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 6, 4 3 माइनस 4 अपॉन 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका उसी में डिटरमिनेंट में वो है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल कहाँ यूज होता है, अभी हमने इससे पहले का जो टॉपिक पढ़े हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, वहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किए एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स वाई वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड है आपकी साइमल्टेनियस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, और दूसरा है आपका क्रैमर्स रूल से भी आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना लुक, ठीक है दिखना तो वही है साइमल्टेनियस जैसे ही क्वेश्चन मिलता है ये, लेकिन क्वेश्चन रहता है सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल, आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो हमने जो आपको इक्वेशन दिया रहेगा उसको हमें इस इक्वेंस में लिखना है नीचे, तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो स्टेप कैसे फॉलो होती है, सबसे पहले आपको आपके गिवन क्वेश्चन को इस तरह लिख ली, आपको फाइंड आउट करना है डी। डी फाइंड आउट करने के लिए आप एक्स और वाई के कोएफिशिएंट यहाँ लिख लोगे 5 2 3 4। ओके आपने क्या किए, फर्स्ट फाइंड आउट करें डी, उसमें आपने एक्स और वाई के कोफिशियंट लिख दिए। अब जैसे अभी हमने सीखा है डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट ही दिख रहा है कहीं पर भी आपको ये ऐसा दिखेगा, तो वही मेथड से आपको सॉल्व करना है। 5 4 20 माइनस 3 2 6, ठीक है ना, 20 माइनस 6 इक्वल्स टू 14। ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना सबको समझ में आ गया है। अब आपको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है डी एक्स, क्या फाइंड आउट करना है डी एक्स। डी एक्स फाइंड आउट करते टाइम एक्स के जो ये कोएफिशिएंट है ये नहीं लिखना है आपको, डी एक्स फाइंड आउट करते टाइम ये नहीं लिखना है एक्स, यहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट लिखे थे हमने यहाँ वाई के, जब डी एक्स फाइंड आउट करोगे तो एक्स के कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, उसकी जगह ये कॉन्स्टेंट नंबर्स यहाँ डालना है, -11 -10 और वाई एज इट इज 3 4। अगेन एक डिटरमिनेंट फॉर्म हो गया, फिर डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करेंगे सॉल्व करते हैं, -11 × 4 -44 -3 × -10 -30, दैट मीन्स -44, दिस माइनस माइनस गेट +30 और ये हो जाएगा आपका -14। ओके नाउ नेक्स्ट वे टू फाइंड डी वाई, अब जैसे एक्स के टाइम पे हमने एक्स के कोफिशियंट नहीं लिखे थे इस डिटरमिनेंट में, तो वैसे ही वाई के टाइम पे हम वाई के कोफिशियंट नहीं लिखेंगे, तो ये 5 2 एज इट इज रहेगा, इसी डिटरमिनेंट ये मेन है, इसके ऊपर से देख के बनाना है, y के कोफिशिएंट नहीं है तो y के कोफिशिएंट की जगह फिर से आ जाएगा -11 -10। ओके फिर सॉल्व करो इसको, जैसे सॉल्व करते हैं -50 5 × -10 -11 × 2 -22 इक्वल्स टू -50, दिस माइनस माइनस गेट +22, वी गेट -28। अब हमने डी डी एक्स डी वाई फाइंड आउट कर ली क्रैमर्स रूल के लिए, फर्स्ट अपना स्टेप हो गई। अब आपको फाइंड आउट करना है एक्स, एक्स के लिए फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन डी, तो डी एक्स की जगह वैल्यू आएगी डी एक्स की -14, ये डी एक्स की वैल्यू है, अपॉन डी कितना था 14, ये कैंसिल किए तो क्या बच रहा आपके पास -1। वैसे ही वाई फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी डी वाई अपॉन डी, डी वाई कितना था -28 और डी कितना है 14, ये कैंसिल करो 14 2 28, 14 1 14, 14 2 -22, मीन्स एक्स वाई की वैल्यू जो आ रही है आपकी वो आ रही है -1 -2। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x - 2y = 3, 2x + y = 16। अब सबसे पहली मेथड क्या होती है, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हमें फाइंड आउट करना होता है डी। डी फिर से बनाएंगे हम, x और y के कोएफिशिएंट मिलकर क्या बनता है डी फॉर्म हो रहा है अपना, तो ये आ गया आपका 3 2 -2 1। देखो y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब क्या लिखे हमने 1,
और y के इधर के कोएफिशिएंट में माइनस टू है, ये साइन ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। अब सॉल्व करो, 3 × 1 माइनस माइनस 2 × 2 वी गेट 3 − −4 3 − −+4 इक्वल्स टू 7। ओके नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट करोगे आप dx। dx में भी बताया हमने ये x के कोएफिशिएंट है और ये y के। जब हम dx निकालते हैं तब हम x के कोएफिशिएंट नहीं लिखते, उसकी जगह ये जो कांस्टेंट टर्म साइड दिए इक्वल टू के वो टर्म्स लिखना है हमें, 3 16 − 2 1। अगेन जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व करो, 3 × 1 = 3 माइनस दिस माइनस 2 × 16 माइनस 32 16 × 2 = 32 दैट बिकम 3 दिस माइनस माइनस प्लस 32 इक्वल्स टू 35। ये आपका निकल गया dx। अब ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे क्या dy। dy के लिए अगेन ये डिटरमिनेंट में y के जो कोएफिशिएंट्स है वो नहीं लिखेंगे हम इसके अंदर, ये आ जाएगा 32 x के एज इट इज और y की जगह पे फिर ये कांस्टेंट टर्म्स जो है वो लिखेंगे 16 इक्वल्स टू 16 × 3 = 48 माइनस 3 × 2 = 6 इक्वल टू 42। ये निकल गया y आपका dy। अब x फाइंड आउट करना है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा dx अपॉन d दैट मीन्स 35/7 7 × 1 = 7 × 5 = 5 y इक्वल टू क्या हो जाएगा dy अपॉन d दैट मीन्स 42/7 7 × 1 = 7 × 6 = 6 दैट मीन्स xy = 5 6। ओके okay?